नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फॉरेंसिक साइंस बाय डॉक्टर भूपेश में। और दोस्तों, हम सबको पता है कि समीर वानखेड़े जी का जो कार्यकाल था वो 31 दिसंबर को समाप्त हो चुका है, यानी कि उनको पहले ही 4 महीने का एक्सटेंशन मिला था। जो आर्यन ड्रग केस था, जो क्रूज ड्रग पार्टी केस था, उसमें उन्हें 4 महीने का एक्सटेंशन मिला था और 31 दिसंबर को उनका कार्यकाल पूरा हो चुका। अब यहां पर अभी तक भी होम मिनिस्ट्री से कोई भी ऑर्डर नहीं आए हैं कि उनका कार्यकाल आगे बढ़ाना है, या अभी उनका ट्रांसफर का कोई भी ऑर्डर नहीं आया। दोस्तों, हम यहां पर एक बात बड़ी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया जाए इस केस में वहां पर मुंबई में। और अगर ऐसा होता है तो क्रूज ड्रग पार्टी केस में और नवाब मलिक जी के सन इन लॉ के केस में बहुत बड़ी कार्रवाई यहां पर हो सकती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली साल 9 जनवरी को नवाब मलिक के सन इन लॉ यानी कि दामाद जी को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, जिसमें 194 किलो गांजा जो पाए जाने की, जो खरीद फरोख्त की, उनके बैंक रिकॉर्ड्स भी मिले थे, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स भी मिले थे, सब कुछ मिले थे, जिसकी पूरी चार्जशीट एनसीबी ने कोर्ट में दाखिल की थी और जिसके तहत उनको समीर खान को यानी कि दामाद साहब को, जो नवाब मलिक जी हैं, जो ट्विटर पर आकर बहुत हंगामा कर रहे थे, वो सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि किसी भी तरीके से समीर वानखेड़े जी यहां से चले जाएं और वो अपने दामाद का केस आसानी से जीत पाए। पर यहां पर दोस्तों, अभी तक भी होम मिनिस्ट्री से कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं हुआ है कि समीर वानखेड़े जी का कार्यकाल वहां से पूरा हो गया और उनको हटा दिया जाए। हो सकता है आगे उनको, उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाए। पर दोस्तों, इसके साथ ही साथ एनसीबी हाई कोर्ट पहुंच गई है बेल रिजेक्शन प्ली लेकर, यानी कि समीर खान की बेल को लेकर, अगेंस्ट दी बेल एनसीबी हाई कोर्ट पहुंच गई है और उन्होंने सारे दस्तावेज दोस्तों बखूबी दाखिल किए हैं कि किस तरीके से इतने ड्रग का, इतना कैनाबिस, तकरीबन 85 किलोग्राम कैनाबिस उसकी लैब में पुष्टि हुई थी और 18 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से के 8 सैंपल में कुछ नहीं मिला था और उसके बाद दोस्तों बाकी के 10 सैंपल में पुष्टि हुई थी सीबीडी यानी कैनाबिडॉइल ऑयल, जिसको सीबीडी ऑयल आपने नाम सुना होगा। जब रिया चक्रवर्ती के केस में भी एक बार सीबीडी ऑयल का नाम आया था, जब सुशांत को दो चार बूंद की चाय में बातें चल रही थी, दोस्तों सीबीडी ऑयल की बात चल रही थी, 10 सैंपल में सीबीडी ऑयल मिला था। तो इसके चलते ही एनसीबी ने समीर खान को यानी कि नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया था। अब नवाब मलिक ने पूरी कोशिश कर ली उनको छुड़ाने के लिए, बाद में उनको बेल मिल गई 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर और 50,000 के बॉन्ड पर, और उनके साथ एक साथी थे कोई सजनानी करके थे, उनको 50,000 रुपए के बॉन्ड पर। यानी कि दोस्तों, देश का कानून, मैं यहां पर बुराई नहीं कर रहा हूं, पर इस तरीके से बना हुआ है कि आप कोई 1 लाख रुपए का बॉन्ड, 50,000 का बॉन्ड या इस तरीके का बॉन्ड भरिए और आपको बेल मिल सकती है। मैं सोचता हूं, अगर कोई आम इंसान होता उसकी जगह, समीर खान की जगह, तो क्या उसको बेल मिलती, क्या वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं सरता। तो हमारे देश में ये बहुत जरूरी है कि ऐसे केसेस को बहुत ही सीरियसली लिया जाए, जहां पर इतने किलो और जहां पे हजारों करोड़ों की खरीद फरोख्त होती है और साबित भी हो जाती है, तो वहां पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो अब एनसीबी इसी केस में हाईकोर्ट पहुंच गई है, यानी कि नवाब मलिक के दामाद जी के केस में हाईकोर्ट पहुंच गई है कि उनको बेल ना मिले। अब देखते हैं आगे हाईकोर्ट का क्या फैसला रहता है। खैर, जो भी हो, समीर वानखेड़े जी ने यहां पे अपनी भूमिका बखूबी अच्छे से निभाई है। 300 से ऊपर गिरफ्तारियां की दोस्तों, बहुत सारे केस बस्ट किए, करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए की ड्रग केस उन्होंने बस्ट किए और उनके खिलाफ जो इल्जाम लगे उन्होंने वो भी झेले। तो यहां पर एक ईमानदार अफसर को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, ये हमने देख लिया। और जिन लोगों को बेल मिलनी होती है या बेल चाहिए होती है, वो 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए का बॉन्ड भरकर बेल पे आ जाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।